यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। आम आदमी पार्टी के 20 एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने की ओपिनियन दी है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में, तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि बिना सुने, बिना सबूतों को देखे, बिना गवाहों को देखे ऐसी ओपिनियन कैसे दे सकता है चुनाव आयोग। अभी तो कोर्ट पे सुनवाई नहीं हुई, ना कोई एमएलए की तरफ से सबूत पेश किए गए, ना एमएलए से कोई गवाह मांगे गए। एमएलए के पास तो बहुत कुछ है बताने के लिए, उनके पास इतने सबूत हैं जो ये सिद्ध करेंगे कि साहब देखो कोई प्रॉफिट नहीं था। उनके पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे गवाह हैं इस चीज़ को लेके कि कहीं कोई प्रॉफिट नहीं था, कहीं कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन बिना सुनवाई किए हुए इस तरह की ओपिनियन दी, ये ओपिनियन पूरी तरह से असंवैधानिक है, गलत है एकदम और अलोकतांत्रिक है। इस अलोकतांत्रिक ओपिनियन अगर दी गई है इस तरह की, तो इसके खिलाफ माननीय राष्ट्रपति जी को अवगत कराने के लिए माननीय राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी से समय मांग रहे हैं और एमएलए जाके उनके संज्ञान में ये बात लाएंगे कि अगर इस तरह की ओपिनियन चुनाव आयोग की तरफ से आई है तो ये बहुत ही बायस्ड ओपिनियन है, किसी भी रूप में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं किया गया इसमें, इसमें कोई सुनवाई नहीं की गई, इसमें एमएलए से कोई सबूत नहीं मांगे गए, इसमें एमएलए के किसी गवाह से बात नहीं की गई। और इस तरह की असंवैधानिक ओपिनियन अगर दी गई है तो हम माननीय राष्ट्रपति जी से अपील करेंगे कि इसे वापस चुनाव आयोग को भेजें और उन्हें कहें कि सारे जो एमएलए के पास सबूत हैं एमएलए की सुनवाई करें, एमएलए के सबूत देखें, एमएलए के गवाहों से मिलें, उसके बाद कोई ओपिनियन दें। एक मिनट, एमएलए जा रहे हैं, एमएलए समय मांग रहे हैं। और जो बात की जा रही है, कल से मैं देख रहा हूँ कई चैनल भी हेडलाइन चला रहे हैं लाभ की हानि, लाभ की हानि। किस चीज़ का लाभ लिया था भाई एमएलए ने? ये सारे के सारे एमएलए, मैं चुनौती देके कहता हूँ, एक रुपया नहीं लिया किसी एमएलए ने, एक रुपये का फायदा नहीं लिया किसी एमएलए ने, एक गाड़ी नहीं ली, कोई घोड़ा नहीं लिया, एक बंगला नहीं लिया, कोई दफ्तर नहीं लिया किसी एमएलए ने। किस चीज़ का लाभ लिया?